चॉकलेट चैलेंज। गट्टू चिंकी के घर उनके मामा मामी और मौसा मौसी आए हुए थे। सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। मेहमानों को देखकर गट्टू चिंकी काफी एक्साइटेड थे। गट्टू चिंकी आओ बेटा। गट्टू चिंकी मामा मामी और मौसा मौसी से मिले। उनकी तरफ से उन्हें ढेर सारी मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और ढेर सारे चॉकलेट्स मिले। चॉकलेट्स पाकर गट्टू चिंकी बहुत ही ज्यादा खुश थे। पापा मम्मी और दादी मिलकर मेहमानों से बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बातें खत्म हुई और सब बातों से बोर होकर टीवी देखने लगे। चिंकी कोई भी बात नहीं कर रहा, बोर हो गए सब। ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही मौसा मौसी और मामा मामी निकलने की बात छेड़ेंगे और फिर चले जाएंगे। हमें उन्हें उलझाए रखना होगा। आइडिया, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। गेम? कौन सा गेम? तभी दोनों की नजर चॉकलेट्स पर पड़ी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों एक साथ चिल्लाए, चॉकलेट चैलेंज। फिर क्या, थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद गट्टू चिंकी सबके सामने जाकर बोले, क्यों ना हम टीवी देखने से अच्छा कोई गेम खेले। हाँ हाँ क्यों नहीं, खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन कौन सा गेम खेलना है? तभी मामा जी ने गट्टू के हाथ में चॉकलेट्स देख लिए। कहीं तुम दोनों चॉकलेट चैलेंज खेलने की तो नहीं सोच रहे? यस, हमारे पास चॉकलेट्स हैं, तो क्यों ना हम चॉकलेट चैलेंज खेलें? जरूर खेलेंगे, बताओ कैसे खेलना है? हम आपकी जोड़ियाँ बनाएंगे, एक जोड़ी में दो लोग, जैसे कि मम्मी पापा, मौसा मौसी, मामा मामी और दादी चिंकी। हमारी जोड़ियाँ तो बन गई गट्टू, तुम्हारा जोड़ीदार कहाँ है? मैं आपको चैलेंज दूंगा ना, बाद में मैं आपके साथ खेलूंगा और चिंकी हमें चैलेंज देगी। ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारा पहला चैलेंज? हर जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी जाएगी और उसे चॉकलेट दी जाएगी, उसे वो चॉकलेट अपने जोड़ीदार को खिलाना है। चलो अब सब लाइन में खड़े रहो। सब लाइन में खड़े हो गए और गट्टू सोचने लगा, पहला चैलेंज किसको दिया जाए? हाँ मामी, मामी आपको चैलेंज है कि आप आंख पर पट्टी बांधकर मामा जी को चॉकलेट खिलाओ। ये मामी कम ऑन। फिर क्या, मामी की आंख पर गट्टू ने पट्टी बांधी और मामी को 3 बार घुमाकर फिर छोड़ दिया। मामी के हाथ में चॉकलेट था। मामी अंदाजा लेते हुए मामा को ढूंढने लगी। शिखा, मैं यहाँ हूँ। नो मामा जी, प्लीज नो चीटिंग। मामी जी बार बार मामा के पास जाती, उन्हें छूकर देखती और फिर दूसरे जोड़ी के पास चली जाती। ऐसा काफी बार हुआ और अचानक कमाल हो गया। मामी ने पास जाकर चॉकलेट मामा जी के मुंह में डाल दिया। ये मामी जीत गई, मामी जीत गई। वाह मामी जी, आपने तो कमाल कर दिया। मामा जी को आपने पहचाना कैसे? सिंपल है, हर्ष का परफ्यूम सूंघते सूंघते उसके पास गई और चॉकलेट खिला दिया। बहुत अच्छे, अब मौसी की बारी। मौसी को पट्टी बांध कर छोड़ा गया। मौसी चॉकलेट लेकर मौसा जी को ढूंढने लगी, लेकिन मौसी ने मौसा जी समझकर गट्टू के पापा को चॉकलेट खिलाया और सब लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर मम्मी को पट्टी बांधी गई। मम्मी चॉकलेट लेकर पापा को ढूंढने लगी और थोड़ी ही देर में मम्मी ने पापा को चॉकलेट खिला दिया। बहुत खूब, 2 बार चॉकलेट खाने वाला मैं पहला प्लेयर हूँ। मम्मी आपने पापा को कैसे पहचाना? अरे सिंपल है, तुम्हारे पापा तो परफ्यूम लगाते ही नहीं। वाह मम्मी, वेरी स्मार्ट। दादी को पट्टी बांध कर छोड़ा गया। दादी सब कुछ छू कर देखने लगी और चिंकी को ढूंढने लगी। चिंकी की हाइट कम होने के कारण पहले तो दादी को चिंकी मिली ही नहीं, लेकिन जब मिली तब चिंकी के मुंह खोलने से पहले ही दादी ने पूरा चॉकलेट गलती से उसके चेहरे पर रगड़ दिया। चिंकी का चॉकलेट से रंगा हुआ चेहरा देखकर सबकी हंस हंस कर हालत बिगड़ गई। गट्टू अब तुम चिंकी के जोड़ीदार बनो, अब मैं तुम सबको एक चैलेंज दूंगी। दादी की बात सुनकर सब एक्साइटेड हो गए। दादी अंदर गई और काफी सारे पुलिस के डंडे जैसे लकड़ी के डंडे लेकर आई। बाप रे, इतने सारे डंडे, आप क्या करने वाली हो? अभी पता चल जाएगा, सब लोग अपने अपने जोड़ीदार के सामने बैठ जाओ। सब जोड़ीदार एक लाइन में आमने सामने बैठ गए। दादी ने बीच में चॉकलेट्स की प्लेट्स रखी
और सबके हाथों को डंडे बांध दिए। अरे बाप रे, ये चैलेंज तो काफी टफ लग रहा है। दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने के कारण हाथ बैंड ही नहीं हो रहा। सबके दोनों हाथों पर डंडा बंधे होने से सबके हाथ टाइट हो गए थे, मोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चलो, तुम्हारे सामने चॉकलेट्स हैं, वो तुम्हें खाने हैं। शर्त ये है कि चॉकलेट मुंह तक पहुंचाने का माध्यम सिर्फ हाथ ही होने चाहिए। चलो करो चैलेंज पूरा। फिर क्या, सब एक एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे, लेकिन दोनों हाथों पर डंडा बंधा होने के कारण हाथ मुंह तक पहुंच ही नहीं रहा था। फिर क्या, कोई चॉकलेट हवा में उछालकर मुंह में कैच कर रहा था, तो कोई मुंह हाथों के पंजों तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नजारा काफी फनी था। दादी सबका वीडियो निकालने लगी। थोड़ी देर बाद परेशान होकर सबने कोशिश करना बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी ठीक से चॉकलेट नहीं खा पा रहा था। तभी अचानक चिंकी के दिमाग में आइडिया आया। उसने चॉकलेट का टुकड़ा गट्टू को खिलाया, गट्टू ने भी चिंकी को चॉकलेट खिलाया। दोनों चॉकलेट खाने लगे और एक दूसरे को खिलाते खिलाते उनके सारे चॉकलेट्स खत्म हो गए। ये देखकर दादी मुस्कुराई। फिर बाकी सबने मिलकर गट्टू चिंकी को कॉपी किया और एक दूसरे को चॉकलेट खिलाया। इस प्रकार बिना हाथ को बैंड किए हुए सबके चॉकलेट्स खत्म हो गए और दादी का दिया हुआ चैलेंज पूरा हो गया। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांति बाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है, बताओ तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा, गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांति बाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे, तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांति बाई अपने घर लौट गयी। घर पहुंचकर शांति बाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू, कल चिंकी का बर्थडे है, इसलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांति बाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जम कर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू, मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांति बाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई। चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई।
ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ, बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ, तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं, मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है, अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया, लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।